ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र सा महीना चल रहा है और आ गया है सावन के अधिक मास की अष्टमी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और बहुत विशेष बनाती है ना। काफ़ी लोग के कमेंट आए थे, भैया पांच दीपक हम कैसे जला दें, एक बार फिर से आप समझा दो, क्योंकि आ गई है अष्टमी तिथि। तो इसको करने का एक छोटा सा नियम है, जितने भी कष्ट होंगे आपकी लाइफ के ना, वो ख़त्म होंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह कहना चाहता हूँ कि आपको करना है एक छोटा सा काम, और वो है वीडियो करिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आपको यह उपाय हमेशा नहीं करना होता है। मैंने 7 तिथियां आपको बताई थी और वो सिर्फ सावन के अधिक मास में या फिर सावन में ही किया जाता है, और कभी आप नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, सावन जब खत्म हो जाएगा तो इस उपाय को नहीं करना। अब जैसे कल क्या है, अष्टमी तिथि। गुरु जी की कथा में बहुत बार आपने सुना होगा, इस तरीके से लेना 5 दीपक। 5 दीपक आपकी इच्छा हो तो आटे का बना लो, आपकी इच्छा हो तो इस तरीके से मिट्टी का ले लो, ठीक है। इतना लेने के बाद दीपक आपको तेल का नहीं जलाना है, दीपक आपको जलाना होगा घी का, और घी का जो जलाओगे वो गौ माता का यानी कि गाय का घी होना चाहिए। अब चाहे आप खुद बनाओ या फिर मार्केट से लेके आओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, यहाँ पर मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक जैसे होता नहीं कि हमारे यहाँ भारत में बना हुआ है तो अच्छा ही होगा, तो हम लोग कभी कभी क्या होता है पतंजलि का यूज़ कर लेते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा, मतलब कहते ना कि विश्वास है, भरोसा है, तो हो सकता है कि आप वो वाला यूज़ कर लो। मैं यहाँ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि हाँ आप कह दो कि पतंजलि प्रमोशन कर रहे हो, नहीं, आप कोई चीज़ लेना हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी किसी कंपनी का ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लेना, और आपको लेना होगा इस तरीके से दीपक। और दीपक में ना लोग गलतियाँ क्या करते हैं, एक ही बत्ती लगा रहे हैं। अरे बच्चा, ऐसी गलती मत करो, सॉरी, अरे मतलब ऐसी गलती मत करो, आपको लगाना होगा इसमें 2 दीपक। हर दीपक में आपको 2 बत्ती लगाना है। जैसे देखो मैं रख रहा हूँ ना, इसी तरीके से एक ऐसे क्रॉस करके फॉर्म में आपको लगाना होगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ऐसे आपको सभी दीपक में बत्ती लगानी है और इसमें घी का दिया आपको लगाना, ठीक है। और इन 5 दीपकों को लेके जो आपके घर का, जिस जो लोहे वाला गेट नहीं होता है, उस लोहे वाले गेट के बाहर आपको उन 5 दीपक को लगाना है। अब जैसे मैं कलर कर रहा हूँ, आपकी इच्छा हो तो लाइन से लगा दो, ठीक है, आपकी इच्छा हो तो ऐसे करके लगा सकते हो, एक साथ लगा दो। एक ऑप्शन आपके पास और है, अगर मान लेते हैं कि आपके यहाँ कहते हो भैया 5 दीपक यहाँ पे लगा दे तो कैसे लोग क्या सोचेंगे, तो अगर आपके घर में कोई पेड़ पौधे हैं ना जिनकी आप पूजन अर्चना करते हो, जैसे बेल का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, समी का पेड़ हो गया, यहाँ पर लगाना हो ना तो वहाँ पर भी आप लगा सकते हो, माता तुलसी का पौधा हो गया। अरे 5 दीपक ही तो हमें सिर्फ लगाने हैं, तो 5 जगह पर लगा दो, जहाँ पर भी आपकी इच्छा हो बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बात आई क्या समझ में? तो इस काम को करेंगे, कल अष्टमी तिथि का दिन है, तो ये 5 दीपक लगाने वाला पर्व है, तो आप सभी को इन दीपकों को जरूर लगाना है। कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। एक छोटा सा गुड न्यूज़ है, आप लोगों में से जिस किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों जगह सेम ID से फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108। मैं पूरी कोशिश करूँगा वहाँ पर मैं आप सभी से बातें करने की, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना हो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। जितने भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।